तेज धूप में पौधों को झुलसने से बचाने के लिए, उनके पत्तों को पीला पड़ने से रोकने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। धूप इतनी तेज़ है दोस्तों कि बहुत सारे खाद की ज़रूरत, तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो आज उसी में से एक तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इतनी तेज़ धूप में कैसे आप अपने पत्तों को पीला पड़ने से रोक सकते हैं और पौधों को एक भरपूर खाद, अच्छा खाद जिसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो खाद पौधों के लिए बहुत ठंडा होगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक मिलते रहें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पौधों में कौन सा ठंडा खाद ऐसा मिलाएं कि जिससे उसमें पोषक तत्व तो मिले ही और उसके पत्ते भी धूप में जलने से बच जाएं। तो दोस्तों उसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल की, कि आप कैसे एलोवेरा का इस्तेमाल पौधों को पीला पड़ने से रोकने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास जो एलोवेरा का आपने पौधा देखा है, मैंने वो पिछले वीडियो में, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने वो सिर्फ एक पौधे से लगाया था और आज मेरे पास उसके कई सारे पौधे हो चुके हैं। एलोवेरा को भी ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती, चल तो जाता है पर उसको भी अच्छे खाद की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैंने उसी में से ही कुछ ऐसी पत्तियां निकाल ली हैं जिनको मैंने आधा पहले से इस्तेमाल किया हुआ था, आधी जो बची थी मैंने उन्हीं को चाकू की मदद से काट लिया है। दोस्तों काटने के बाद आपको क्या करना है, आपको किसी जार में उन पीसों को पानी लेकर के छोटा छोटा चाकू की मदद से काट लेना है। दोस्तों आप चाहे तो इस जो ये लिक्विड है जो हम इसे बना रहे हैं छोटे छोटे काट करके, आप इसे चाहे तो मिक्सी जार में पानी डाल करके पीस सकते हैं, पर दोस्तों जो काम बिना पीसे हो जाएगा तो मैं क्यों ही उसे पीसूं। मैं आज आपको ऐसे ही बिना मेहनत के अच्छे से बनाना सिखा दूंगा। काटने के बाद दोस्तों इसे छोटा छोटा करने के बाद आप हाथ की मदद से, देखिए अगर आप हाथ गंदे नहीं करना चाहते हैं तो आप मिक्सी जार का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पौधों के काम करने में मेरे को बिल्कुल भी गंदगी महसूस नहीं होती, मुझे मज़ा आता है हाथों से करने में। आप चाहें आप भी हाथों से कर सकते हैं। मैंने ये पत्तियों को छोटा छोटा हाथों से दोस्तों कट कर लिया है। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप या तो किसी डंडी की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से इसको छोटा छोटा पीस लेंगे। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके उनका, एलोवेरा का जो जेल है पत्तियों का, उस जेल को मैं हाथों से ही पत्तियों को अलग करके बिल्कुल सारा जेल निकाल लूँगा। दोस्तों इसी तरह से जितनी भी पत्तियाँ, आप सारी पत्तियों का जो रस है वो निकाल लेंगे। आप पहले तो चाहे उसकी ऊपर की लेयर अलग करके सारा जेल एक साथ निकाल करके भी डाल सकते हैं, बाकी मैंने पत्तियों में ही मिक्स करके उस जेल को हाथ से ही पीसने का काम किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों हाथों से ही इसका जेल बनना स्टार्ट हो गया है। आप देखने लगे होंगे कि वो जो जेल है, पानी था, वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और उसका मिश्रण देखिए जेल में बदलने लगा है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस लिक्विड में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एलोवेरा में मैग्नीशियम, कॉपर और बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उनमें भी कारगर होते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें लेना है एक तिहाई पानी और एक तिहाई जो हमने ये मिश्रण तैयार किया है, लिक्विड तैयार किया है पानी में एलोवेरा जेल का, उसे हम मिक्स करेंगे पानी के साथ। पानी के साथ मिक्स करने के बाद दोस्तों बहुत ही इजी टेक्निक है, लोग वीडियोस बनाते हैं बहुत सारे झंझट करने पड़ते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। आप इसे डायरेक्ट अपने किसी भी तरह के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, मोस्टली इंडोर पौधे जो कि इतनी गर्मी में पीले पड़ने लग जाते हैं। मैं अपने ये मनी प्लांट का मेरा पौधा है अभी अच्छा है, पर इसमें से कुछ पत्तियाँ उसकी पीले पड़ने लगी हैं, गिरने लगी हैं सूख करके, तो मैं उसी की ग्रोथ के लिए इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का दोस्तों इस्तेमाल कर रहा हूँ। डायरेक्ट आप इसको अपने पानी में मिला करके डाल सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसमें स्प्रे बॉटल में इसे भर के पानी मिला करके भी पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, इससे पत्तियां तो चमकदार होंगी ही, पोषक तत्व भी मिलेंगे। ये मेरा इंडोर क्रोटोन का पौधा था, धूप के कारण इस पर थोड़ी अधिक धूप लग गई, धूप के कारण इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगी, बहुत टाइम से खाद नहीं मिला था तो मैंने सोचा इसमें भी थोड़ा डाल दूँ ताकि पत्तियाँ भी पीली पड़ने से रुक जाएँ और पौधे की ग्रोथ भी एकदम अच्छे से हो जाए। मैंने लगभग एक महीने पहले इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिलाई थी, अब एक महीने बाद दोबारा से मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। दोस्तों आप इसका इस्तेमाल महीने दो महीने में जब आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा मनी प्लांट था, इसमें मैंने लास्ट मंथ ये डाला था और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी चमकदार और कितनी अच्छी हो गई हैं। कुछ पत्तियाँ, ये धूप पड़ती है 2 घंटे की तो एक आधा पत्तियाँ थोड़ी सी पीली पड़ गई है, पर डोंट वरी दोस्तों,
पौधा अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पाइप में मनी प्लांट लगाया हुआ था और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप इसका इस्तेमाल इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, सब्जियों के पौधे, किसी भी पौधे में कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।